फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए चिकन अचारी की रेसिपी लाई हूँ जो कि बहुत ही यमी बनता है। फ्रेंड्स, चिकन अचारी और चिकन का अचार दोनों अलग अलग हैं। चिकन अचारी आज हम बनाएंगे जो कि बहुत ही स्पाइसी और यमी बनता है। पहले हम चिकन को थोड़ा सा मैरिनेट कर लेंगे। चिकन यहाँ पे मैंने लिया है 700 ग्राम चिकन है यहाँ पर, और इसको हम थोड़ा मैरिनेट कर लेंगे। उसके लिए हमें चाहिए जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच, थोड़ा सा इसमें से दही डालेंगे हम, आधा नींबू। बस 15-20 मिनट के लिए इसको हम थोड़ा सा मैरिनेट करेंगे। चिकन के बड़े बड़े जो पीसेज हैं उनमें हम इस तरह से छोटा छोटा कट लगा देंगे। पहले कट लगाने के बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे और 3 टीस्पून इसमें हम दही के ऐड कर देंगे, बाकी ग्रेवी के लिए रख लेंगे। आधा लेमन का जूस भी इसमें ऐड कर देंगे। ड्राई स्पाइसेस 1/4 टीस्पून इसमें हम नमक का ऐड करेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी इसमें हम कसूरी मेथी डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसमें सरसों का ऑयल डालेंगे। फ्रेंड्स, इसे हम सरसों ऑयल में ही बनाएंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसको 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, कुछ खड़े मसाले हमें इस तरह से चाहिए। राई आधा छोटा चम्मच, इसी तरह से धनिया आधा छोटा चम्मच, जीरा, सौंफ मोटे वाली, मेथी दाना और कलौंजी, ये सब चीजें हम ले लेंगे। एक हमें चाहिए होंगी लाल खड़ी मिर्चें, थोड़ी सी लौंग, छोटी सी स्टिक दालचीनी की। ये तो सब चाहिए हमें अचारी मसाला बनाने के लिए। ग्रेवी बनाने के लिए हम देखेंगे, यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 टमाटर, थोड़े से कैश्यूज काजू, 1 शिमला मिर्च, दही, और अगर आपको इसका फ्लेवर और अच्छा बनाना है तो आप थोड़ी सी क्रीम, फ्रेश क्रीम या मलाई ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बनाना। पहले हम ये जो हमारे सूखे मसाले हैं इनको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट सा कर लेंगे। कलौंजी को अभी हम नहीं डालेंगे, इसको थोड़ा सा बाद में ऐड करेंगे। साथ ही इसमें दालचीनी की स्टिक और लौंग भी ऐड कर देंगे, और जो हमने लाल खड़ी मिर्चें रखी थी वो भी इसके बीच में डाल देंगे। इनको 2-3 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे और मिक्सी में एक दरदरा सा पाउडर बना लेंगे इनका। रोस्ट हो गया, अब कलौंजी एंड में डाल देंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेंगे, फिर अच्छे से इसको दरदरा सा मिक्सी में बना लेंगे। 10 मिनट हो गए मैरिनेशन को। अब हम ये चिकन को इस तरह से किसी पैन में डाल लेंगे। सॉफ्ट होने तक इसको पका लेंगे, ढक के रख देंगे। 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको पकने में। थोड़ा सा मोटा रखा है, मसाला ग्राइंड कर लिया। अब हम ग्रेवी की तैयारी शुरू करेंगे। ये जो टमेटोज हैं इनको कट कर लेंगे। टमेटोज और शिमला मिर्च और ये जो हमने कैश्यूज रखे थे इन सबको एक पेस्ट बना लेंगे।
ये देखिए पेस्ट बना लिया मैंने। टमाटर, शिमला मिर्च और जो हमने काजू रखे थे, इन तीनों को अच्छे से ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया। अब एक दूसरा पैन ले लेंगे, उसमें हम सरसों ऑयल ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें सरसों ऑयल ऐड किया है। आधा छोटा चम्मच हम इसमें जीरा डाल देंगे और साथ ही ये पेस्ट ऐड कर देंगे। फ्रेंड, इसकी ग्रेवी में मैंने अनियन नहीं डाला, शिमला मिर्च से ये ग्रेवी बनती है, बहुत ही बढ़िया बनती है ये सब्जी। अब इसको हम अच्छे से कुक करेंगे जब तक ये इसका जो ऑयल है वो दोबारा से सरफेस आउट ना हो जाए। अच्छे से पकाएंगे इसको। पांच मिनट लगे, ये देख सकते हैं आप, ऑयल सरफेस आउट हो गया। अब हम इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड कर देंगे। चिकन में भी हमने नमक डाला था तो 1/4 ही पहले इसमें डालेंगे नमक। कश्मीरी लाल मिर्च, 1 इंच बस इसमें हम हल्दी का ऐड करेंगे। बाकी हमने जो मसाला बना के रखा था वो ऐड करेंगे। 2 चम्मच भर कर इसमें मसाला ऐड कर देंगे। बाकी का हम फ्रेंड्स रख लेंगे, किसी भी सब्जी में यूज कर सकते हैं इसे। सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाता है, बहुत ही बढ़िया मसाला बनता है ये। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे जो हमने बचा के रखा हुआ था। अच्छे से कुक होने देंगे इसको, दही को। चिकन भी हम चेक कर लेंगे जो हमने रखा था, इसको भी हमने सॉफ्ट होने तक पकाना है। चेक कर लेंगे, चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब ढक्कन को उठा देंगे हम और फ्लेम को बिल्कुल हाई करके इसका जो वाटर है वो बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। दही अच्छे से कुक हो गया। अब हम थोड़ी सी चाहे तो क्रीम ऐड कर देंगे, चाहे थोड़ी सी मलाई ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, इससे टेस्ट और भी बढ़िया हो जाएगा। इसको भी इसी तरह से अच्छे से कुक कर लेंगे। ये देखिए चिकन बिल्कुल पक चुका है, ड्राई हो गया सारा पानी इसका। इसको हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। अब इसको हम जो हमने ये मसाला बनाया है इसमें ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे, थोड़ी इसकी कंसिस्टेंसी सेट करने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। ये देखिए 1 कटोरी मैंने इसमें पानी की ऐड की है। अब इसको हम 2-3 मिनट के लिए ढक के रख देंगे फ्लेम को बिल्कुल स्लो करके, ताकि अच्छे से हर पीस पे ये ग्रेवी की कोटिंग हो जाए, अच्छे से टेस्ट आ जाए सब मसालों का। ढक देंगे, 2-3 मिनट के बाद चेक करेंगे। 2-3 मिनट हो गए, चेक कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया फ्रेग्रेंस आ रही है, बनके बिल्कुल रेडी है हमारा चिकन अचारी। अब मैं आपको ये सर्व करके दिखाऊंगी। पहले हम इस पे थोड़ा सा कसूरी मेथी डालेंगे, इसमें हम धनिया नहीं, कसूरी मेथी का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ।
डिश में सर्व करने के बाद थोड़ी सी कसूरी मेथी हम इस तरह से भी पोर कर देंगे और इस पर आप थोड़ा सा बटर रख दें तो और भी यमी लगेगा। हमारा चिकन अचारी बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा स्पाइसी बनता है जो कि बहुत ही यमी लगता है। इसे हम नान, चपाती, किसी के भी साथ खा सकते हैं। जरूर से ट्राई कीजिए आप भी इस तरह से चिकन अचारी बनाना और फ्रेंड्स कमेंट्स में भी जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिए और मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट एक और न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे।